अमित शाह के राजस्थान दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अमित शाह के दौरे में बाड़मेर से सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को साथ नहीं रखने और भाषण में सतीश पूनिया का नाम नहीं लेने को लेकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा, अमित शाह के दौरे से बहुत सी बातें साफ हो गई हैं। एक तो यह साफ हो गया है कि अमित शाह केवल गजेंद्र सिंह शेखावत को ही प्रिय मानते हैं, बाकी प्रदेश बीजेपी के नेताओं को वो नहीं मानते। उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। केवल अपने मित्र गजेंद्र सिंह को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए अमित शाह ने यह भ्रमण किया है। डोटासरा ने कहा, किसान परिवार से आने वाले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को उनके निर्वाचन क्षेत्र में अमित शाह ने साथ नहीं रखा, न उनका कहीं फोटो लगाया। इससे यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सतीश पूनिया से मजदूरी करवाई जा रही है, वह भी किसान परिवार से होने के कारण अमित शाह ने उनका नाम तक नहीं लिया। किसान कौम को माइनस करके कभी भी राजस्थान में राजनीति नहीं हो सकती। उनका ज्ञान अधूरा है, यहाँ की इकाई है उसने पूरी जानकारी नहीं दी, वो राजस्थान के बारे में अपडेट नहीं है। केवल मात्र अपने मित्र गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट करने के लिए ये जो भ्रमण राजस्थान में अमित शाह जी का हुआ है वो केवल मात्र एक संदेश देने के लिए है। और किसानों के बारे में कितना बड़ा मुद्दा था, एक शब्द नहीं बोला। 12 महीने से किसानों को परेशान किया, तीनों बिल वापस लिए, देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी देश से, और वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, केंद्र की सरकार का वादा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार एक साल में देंगे, उसके ऊपर वो नहीं बोले। चाइना बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है उसके ऊपर वो नहीं बोले। तो आप समझ सकते हैं, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि हमारी वसुंधरा राजे जी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में यही अच्छे काम किए। यानी सबको बैक करते हुए केवल मात्र उनका जो अब की बार का एजेंडा आज का था, वो 2 दिन का एजेंडा अमित शाह जी का गजेंद्र सिंह जी को यहां पर नेता के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना था, बाकी सब लोगों को दरकिनार करना था, जो मंसूबे उनके कभी कामयाब नहीं।